बुद्धिज्म। ठीक है दोस्तों, आज चर्चा करें बुद्धिज्म पे। बुद्धिज्म ओके दोस्तों, आज चर्चा कर रहे हैं बुद्धिज्म पे। हम शुरुआत करते हैं, बुद्धिज्म आया कब भारत में, फाउंडेड बाई, देखिए शुरुआत करते हैं पैच पैच पैच। चलिए इस टॉपिक शुरुआत करते हैं बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म के ऊपर हम बात करेंगे। फाउंडेड बाई गौतम बुद्ध और सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का नाम, जिसको सिद्धार्थ भी का नाम से कहा जाता है, शाक्यमुनि और तथागत भी कहे गए हैं। बोर्न इन 563 BC, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी, कपिल वस्तु जो कि नेपाल में है आज वर्तमान में, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। कि पिता जी का क्या नाम था? सुदोधन नाम था, जो कि शाक्य रूलर थे, शाक्य वंश के शासक थे। माता का नाम था महामाया, जो कि कौशल डायनेस्टी की थी। और डाइड ही आफ्टर 7 डेज ऑफ दिज बर्थ। जब गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, उनके 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। ब्रॉड बाई, और इनका जो जन्म था, जन्म जो स्टेप मदर थी इनकी गौतमी, इन्होंने लालन पालन किया था इनका। मैरिड एट द एज ऑफ 10 टू यशोधरा, और इनका यशोधरा से इनका शादी कर दिया गया था, और इनसे एक बच्चा हुआ था राहुल नाम से। दूसरा देखने जा रहे हैं हम कि दूसरा टॉपिक क्या है। सा ओल्ड मैन, अ सिक मैन, अ कॉर्प्स एंड स्टेक। ये बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्रम में बताइए, तो पहले क्या देखा उन्होंने, फिर क्या देखा, फिर क्या देखा, फिर क्या देखा। पहले उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा, फिर एक बीमार आदमी देखा, फिर उन्होंने एक मृतक आदमी को देखा, और फिर वो एक सन्यासी के आदमी को देखते हैं। तो ये चारों क्रम है, इसे एकदम कंटस्ट कर लें, याद कर लें। फिर आता है नेक्स्ट, आता है लेफ्ट हिज पैलेस एट द एज ऑफ 29। 29 साल की उम्र में अवस्था में ये इन्होंने अपना महल छोड़ दिया, अपनी सारी सुख सुविधाएँ छोड़ दी, सर्च ऑफ द ट्रूथ, जो सच्चाई थी उसको, उसकी सत्य को खोज के लिए, जिसको कहा जाता है महा अभिषिक्रमण। ठीक है, अटेंड इनलाइटनमेंट। इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में हुई थी। गया कहाँ पे है? बिहार में, मगध में, अंडर द पीपल ट्री, पीपल पेड़ के नीचे। डिलीवर द फर्स्ट सरमन एट सारनाथ, वेयर हिज 5 डिसिपल्ड हैज सेटल्ड। इन्होंने पहला जो ज्ञान दिया था, दीक्षा दिया था, वो 5 भिक्षुओं को दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में, जो कि बनारस में है, उत्तर प्रदेश। हिज फर्स्ट सरमन इज कॉल्ड धर्मचक्र परिवर्तन, प्रवर्तन, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द लॉ कहा जाता है। पहले जो इन्होंने भिक्षा दी, शिक्षा दिया था। अटेंड महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण मतलब कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, आइडेंटिकल विद द विलेज कसिया, जो जगह का नाम है कसिया, देवरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अब यूपी, उत्तर प्रदेश में। कब मृत्यु हुई थी? 483 BC में, एट द एज ऑफ 80, इन द मल्ल रिपब्लिक। उसमें जो ये था, मल्ल रिपब्लिक के अंडर में आता था, और इनकी 80 साल की उम्र में, 483 BC में इनकी मृत्यु हुई थी। अब आते हैं, चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल कितने हुए हैं भारत में। चलिए चर्चा करते हैं। पहला फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था इन सतपर्ण गुहा। अच्छा ओके, पैच पैच पैच। इनका देखिए, सतपर्ण गुहा है, एक केव है, गुफा है। कहाँ पे है? राजगृह में, राजगृह जो आज बिहार में पड़ता है, वहाँ पे गुफा था, वहाँ पे पहला इनका बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, राजगीर में। याद रखिए, राजगीर, राजगीर नाम से ये प्रश्न पूछा जाता है कि पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, तो राजगीर नाम याद रखें। गुफा का नाम क्या था? सतपर्ण गुहा। ठीक है, कब हुआ था? 486 ईस्वी में, BC में। किंग, उसमें राजा कौन थे? अजात शत्रु, सन ऑफ किंग बिम्बिसार, हर्यक डायनेस्टी के जो राजा थे बिम्बिसार, उनके पुत्र अजात शत्रु थे। उन्हीं के शासनकाल में पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ महाकश्यप। उस समय जो चेयरमैन था, उसमें जिसके अंडर में हुआ था, वो कौन था? महाकश्यप था। टुक प्लेस 3 मंथ आफ्टर द बुद्ध पासिंग, जब उनकी, बुद्ध जी की मृत्यु हो गई थी, उसके 3 महीने के बाद ये पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। डिवाइडेड द टीचिंग ऑफ बुद्धा इन 2 पिटक, जो उनकी जो शिक्षाएं थी उनको 2 भागों में बांट दिया गया था, एक विनय पिटक हो गया और एक सुत पिटक हो गया। पहला ये प्रश्न पूछा जाता है, कब किया गया था?
दो पिटक थे, बिना पिटक सुत पिटक। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में ये आता है। फिर निश्चित टुक 3 मंथ आफ्टर द बुद्ध पासिंग, ये भी ये 3 महीने के बाद हुआ था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कलेक्टेड टुगेदर एट एंड अरेंज द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर नोन एज द पाली त्रिपिटक। ठीक है, तो इनके हुआ क्या था, पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में इनकी जितनी शिक्षाएं थी, स्क्रिप्चर्स थे, उन सबको इकट्ठा किया गया था। नेक्स्ट काउंसिल, नेक्स्ट पे आते हैं हम। सेकेंड बुद्ध काउंसिल कहाँ हुआ था, वेन्यू था वैशाली, वो भी बिहार में पड़ता है। पहले राजगिरी में था, वैशाली में। फिर किंग कालाशोक पहले के थे अजातशत्रु, दूसरे में हुए कालाशोक शिशुनाग डायनेस्टी के थे। प्रिसाइडिंग प्रिस्ट कौन थे, पहले में थे महाकश्यप और दूसरे में थे सबकामी। टुक प्लेस 100 ईयर्स आफ्टर द बुद्ध पासिंग, इनके मृत्यु के 600 साल के बाद ये हुआ। फॉलोअर डिवाइडेड इन अस्थरवीर मंडिम, अस्थावीर अस्थावर मिंडनम, और एक है महासंघी कास। पैच 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 फॉलोअर डिवाइडेड इनटू 2 भागों में उनके फॉलोअर थे, वो बट गए थे। ठीक है, पहला का नाम था अस्थावर मणिस मंडीस और दूसरा नाम था महासंघी। तीसरा काउंसिल आता है पाटलिपुत्र, टूडेज पटना, जो पटना है आज का, वो वही था उस समय, उसको पाटलिपुत्र बोला जाता था। 250 BC में हुआ था तीसरा काउंसिल। उसमें राजा कौन था, अशोक राजा थे, उसमें मौर्य डायनेस्टी थी। प्रेसाइडिंग प्रिस्ट कौन थे, मोगली पुत्र तिस्त थे, जिनको उपागुप्त भी कहा जाता है। द थर्ड पार्ट ऑफ द त्रिपिटक वाज कोडेड इन द पाली लैंग्वेज। ठीक है, त्रिपिटक का जो तीसरा भाग था उसे पाली लैंग्वेज में किया गया था। शायद थर्ड पार्ट का नाम था अभिधम्म पीठ। अब आता है चौथा काउंसिल। चौथा काउंसिल कहाँ हुआ, कश्मीर में हुआ था, कुंडल वन में, इन 72 AD में, अंडर बसुमित्र के अंडर में हुआ था। वाइस चेयरमैन कौन था उसमें, अश्वघोष थे। बसुमित्र के अंडर में हुआ था 72 AD में कश्मीर, कुंडल वन, अश्वघोष। किंग राजा कौन थे उसमें, कनिष्क थे। ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ था, बुद्ध का जो धर्म है वो 2 भागों में बढ़ गया था, एक हीनयान और एक था महायान। पांचवा और छठा काउंसिल भी हुआ है, जिसे माना जाता है कि पांचवा जो हुआ था वो हुआ था थेरावाड़ा बुद्धिस्ट काउंसिल इन 1871 में, और छठा जो हुआ है थेरावाड़ा बुद्धिस्ट काउंसिल इन 1954 में। अब आते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट बुद्धिस्ट लिटरेचर और इस आर्किटेक्चर पे। अब देखते हैं, देखिए जो भी इनकी भाषाएं थी वो पाली भाषा थी। विनय पिटक पहला क्या था, विनय पिटक था, उसमें क्या कहा गया है, रूल्स ऑफ डिसिप्लिन इन द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जो कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में रहने वाले जो लोग हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनके लिए जो नियम कानून थे, वो सारे चीज़ें विनय पिटक में कहा गया। ठीक है, सुत्त पिटक में कहा क्या, ये क्या कहा, लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ा है, और कॉन्टेंट्स कलेक्शन ऑफ बुद्ध सरमन, बुद्ध के जो भी उनके ज्ञान थे, उनकी जो शिक्षाएं थी, वो सारे सुत्त पिटक में वर्णित है। अभिधम्म पिटक में क्या होता है, अभिधम्म पिटक में होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिलोसफिकल प्रिंसिपल ऑफ द बुद्धिस्ट, जो बुद्ध का जो धर्म है, बुद्ध धर्म, उसकी जो सिद्धांत है, उसके फिलोस उसका एक्सप्लेनेशन है इसमें, अभिधम्म पिटक में। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, इसमें 3 प्रकार के आर्किटेक्चर भी थे, क्या था, स्तूप था, चैत्य था और विहार था। स्तूप क्या है, जैसे कि मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप, रिलिक्स एट द बुद्ध और सेम प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट मार्क्स ऑफ प्रिजर्व, उसमें उनके जो कुछ मार्क हैं, जो उनके चिन्ह हैं बुद्ध भगवान के, उनका उसमें चिन्ह को प्रिजर्व किया गया है स्तूप के अंदर। और चैत क्या है, प्रेयर हॉल था, चैत को बोलते हैं प्रेयर हॉल, जहाँ पे प्रार्थनाएं सभाएं इकट्ठा होती हैं, और बिहार होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, जो उनके शिष्य जाके उनके मानने वाले जो लोग रहते हैं उसको बिहार बोलते हैं। तो ये बस इतना ही है, अगर ये आपने इसको एक बार रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया, देख लिया, तो उम्मीद है कि आप इसमें कोई प्रश्न आप छूट नहीं पाएगा आपको एग्जाम में, और आप सबको बहुत ही फायदा होगा इस वीडियो के देखने से। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और कुछ भी आपको परेशानी है किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप कभी भी आप कमेंट करें, मैं उसका पूरा जवाब दूंगा तुरंत, जब जब भी मुझे टाइम मिलेगा, और आपको इससे बहुत ही फायदा होगा। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद, शुभ रात्रि।